वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। भगवान कहते आनंद चेता सततम निर्माण स्मृति नित्य सर तस्याहम सुलभ। ये सुलभ पद एक बार आया गीता में तो अनन्य चेता सततम निर्माण स्मृति नित्य सर। अनन्य चेता में तो है श्रद्धा और प्रचित है ही नहीं जिसका कि तुम्हें अनन्य भाव केवल भगवान ही मेरे भगवान ही है वास्तव में। और ये है नहीं परिवर्तनशील है, ये नहीं है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा अभी भी नहीं मिल जा रहा है, ये नहीं है, है परमात्मा ही। ऐसा जो पूज्य भाव है आदर भाव है महत्व भाव है ये भगवान में रहे ये अनंत चेता। और नित्य सर स्मृति सततम सततम और नित्य सा का अर्थ है कि नित्य तो रोजाना भगवान का स्मरण करे और सततम निरंतर ये भाव है निरंतर अंतर्प्रेम जागने में सोने में स्वप्न में कभी ये भाव मिटे ही नहीं ऐसा निरंतर करे और नित्य रोजाना ही भाव रहे और हर समय रहे ऐसा भाव। तो ऐसा भाव बन जाने पर वो नित्य रहता है। और जैसे क्रियात्मक साधन है उस साधन में तो
बाधा आती है, मन क्रिया जैसे राम 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 करते हैं तो ये निरंतर नहीं होता। भोजन भी करते हैं, जल पीते हैं, बात करते हैं, सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तो ये नाम जब निरंतर नहीं रहता है, परंतु भगवान मेरे केवल भगवान ही मेरे ये भाव निरंतर रहता है। क्यों? ये तीनों शरीरों को छेद करके स्वयं चलता, मैं हूं जो बात है ना, अपना होना था। आप कुछ भी काम करें उस काम में आप स्वयं ये मुख्य हो जाते हैं। स्थूल सूक्ष्म और काम तीनों शरीर से कोई काम किया जाए तो उसमें स्वयं की मुख्यता होती है, तो मुख्यता होने पर भी स्थूल और सूक्ष्म इनकी मुख्यता रहने से वो मुख्य आप में आता नहीं, वो रहता है जड़ में ही, और परमात्मा की तरफ हो जाते हैं तो मुख्यता आप में आ जाती है। क्यों? चंद्र परमात्मा है, उसी की आप अंश है, उसी की हो जाएगी तो जड़ता से विमुखता हो जाएगी, और जितने भाव होंगे द्रव्य के उन भावों में जड़ता साथ में रहेगी, चिन्मयता नहीं होगी, और करोगे स्वयं आप, स्वयं आप करने पर भी स्वयं साथ में रह नहीं सकते, ना सूर्य सृष्टि के साथ ना सूर्य सृष्टि के साथ नहीं रह सकते, ना इनके ये साथ आपके रह सकता, और परमात्मा को न जानो बिंदु को तुम परमात्मा साथ नहीं छोड़ दे, और परमात्मा से आप भी अलग हो नहीं सकते, भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, परंतु उससे अलग नहीं हो सकते, और संसार के साथ कितनी आसक्ति कर ले, कितना ही अपनापन कर ले, इसके साथ एक नहीं हो सकते। हाँ, एकता की तरह आप हो जाते लेती है और जन्म न देती, उसके साथ एक नहीं हो सकते, तो भाव अनंतता से भगवान के साथ हो जाए ये श्रेष्ठ है। मैं तो भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। अभी जैसे मैंने कई बार दृष्टांत दिया, ब्याह हो गया तो भी सदा के लिए हो गया, ये जो दृष्टांत स्थूल है ये समझाने के लिए है, ब्याह हो गया तो सदा के लिए आपके भाव हो जाता, तो भाव बनने में सदा के लिए होता, वो दृष्टांत देने के लिए है। स्थूल सूक्ष्म कारण से होने वाले केवल कोई भी संबंध है वो नित्य रहने वाला नहीं है, नित्य रहने वाला संबंध भगवान के साथ ही, भगवान नित्य है, आप नित्य हैं, इस बार नित्य रहेगा। स्थूल संसार सूक्ष्म संसार कारण संसार ये परिवर्तनशील है, उसके साथ आप संबंध अपना नित्य मानते हैं, पर इनके साथ संबंध रहता नहीं, केवल इनकी आसक्ति कामना रह जाती है, वो गुण संग देता है, वो जन्म मन देता है, वो कमी से जन्म देता है, तो इनके साथ कोई रह नहीं सकता, ना ये साथ आप रह सकते, आपके साथ परमात्मा रहते हैं हरदम, हर ख्याल करें तो और न करें तो, जाने तो और न जाने तो, माने तो और न माने तो, वो साथ में ही रहते हैं। उसके साथ जब आपका भाव हो जाता है तो इससे अलग हो जाता है, और जब तक इनके संसार की सत्ता है और तब तक इसके साथ रहते हैं, संसार से भी सुख लेना चाहते हैं, आराम लेना चाहते हैं, अपना कुछ मतलब चाहते हैं, तब तक तो बन ही जाते हैं बिल्कुल संसार में। ये तो बताया था कि देखो आश्चर्य की बात है, संबंधी नहीं है और संबंध है, आश्चर्य की बात है, गरीब नहीं है और गरीब का संबंध है, कहते अभाव में संबंध नहीं रहना चाहिए, परंतु अभाव का जो संबंध है आपने स्वयं में मान लिया तो वो संबंध छूटेगा नहीं, वो आप स्वयं तो रहते हो, और उन्हें अपना आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी घड़ी है ऐसा, तो आपने स्वीकार कर लिया, तो जहां स्वीकार कर ले तो आप स्वयं आ जाते हो, तरीका जहां स्वयं आप बनते हो वहां आपकी मुख्यता हो जाती, तो आपकी मुख्यता होने जल के साथ बंधन हो जाता है, वो आपकी मुख्यता भगवान के साथ हो जाए, चाहे भक्ति से भगवान के साथ हो जाए, चाहे विवेक के अपने साथ ही हो जाए, अपना स्वयं नित्य स्वरूप है उसी साथ,
तो ये भगवान का भाव है, ये बहुत ही बढ़िया है। मैं भगवान का, भगवान में है, पर साथ साथ में जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, ये दूसरा न कोई है नहीं, ये होने से अनन्य भाव होता है, नहीं तो अन्य भाव साथ में रहता है। भगवान मेरे है, संसार ही मेरा है, तो ऐसे सभी लोग प्राय कर रहे थे भगवान मेरे है। तो भगवान भी एक ग्रस्त जैसे सदस्य होते हैं ना, स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु कुटुंबी, ऐसे एक भगवान भी हमारा संबंधी है, ऐसा होता है। वो संबंध मुख्य नहीं होता, और उस संबंध में भगवान की मुख्यता नहीं थी, मुख्यता संसार की रहती है। हर समय संसार को ही पकड़ा हुआ, हर समय जागने में, सोने में, जगने में, भजन ध्यान जब सत्संग स्वाध्याय कीर्तन करते तो उसमें भी संसार को ही मुख्यता से पकड़े रहते। इस बार साधन की सिद्धि नहीं होती, साधन की सिद्धि होती भगवान को ही पकड़ दे तब स्वतः ही सिद्धि होती स्वाभाविक, क्योंकि वो स्वाभाविक संबंध थे। इस वास्ते साधक के लिए एक बड़ी मार्मिक बात बताता हूं, जो साधन करते हैं उनके भाव कैसे ही आवे, उसे ना राजी होना चाहिए ना नाराज होना चाहिए। परिस्थिति कैसी ही आवे, उसे ना राजी होना चाहिए ना नाराज होना चाहिए। संयोग कैसा ही हो, उसे राजी नहीं होना चाहिए ना नाराज होना चाहिए। उनमें से राजी और नाराज होते हैं वो स्वयं होते हो, तुम फंस जाते, नाराज हो तो फंस जाओगे, राजी हो तो फंस जाओगे। इसे निर्लिप रहेगा वो ठीक रहेगा, तो निर्लिप कब रहेगा, भगवान के साथ संबंध है, मन के साथ संबंध हमारा है ही नहीं, उसे बिल्कुल आप अलग रहोगे। जब भगवान के साथ संबंध होगा स्वतः, जैसे जो वैष्णव है इनका खान पान शुद्ध है, उनके सामने लक्ष्मण प्याज आ जाता, मांस अंडा आ जाए, कुछ भी आ जाए अलग ही रहते हैं भीतर से, वो चिपकते रहे भीतर से, वो अपनी चीज है ही नहीं, हमारे काम की चीज नहीं, इसलिए संसार अपनी चीज है ही नहीं, अपने काम की नहीं है, क्योंकि अपने तो रहते हैं, संसार बदलता है, हमारे साथ की चीज है ही नहीं। संयोग से सुख दुख नहीं होता, तब होता है थोड़ा बहुत पूरा अभ्यास हो जाए, मिट जाता है, उतर जाता है थोड़ा घायल तो रहेगा। और इसकी प्रधानता होती है कि अमुक ने मेरे को ऐसा कर दिया, अमुक ने ऐसा कर दिया, वो फिर स्थायी हो जाता। यादृक लाज सिकता गणेश देखा, तीन बताए मानो नीचे पुरुष होते हैं, उनका जो क्रोध होता है, देश होता है, तो पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर, तो पत्थर में लकीर है खोद दी जाए तो वैसी की वैसी रहती है, सैकड़ों वर्षों तक ही वह रखी वैसी रहती है। जैसे अब पढ़ते हैं वो स्लेट होती है, उस पर जोर से कीले से निकाल दें तो वो वैसी रहती है, वो मिटती नहीं, ऊपर ऐसे कर दो तो रंग तो एक हो जाएगा काला काला, परंतु रेखा रहेगी। ऐसे राग द्वेष ज्यादा बद्ध मूल रहता है, ये हमारा तैसा था ऐसे ही है, हमारा मन है हमारा मन ऐसे ही है, हमारे ऐसा ही होना चाहिए, ये बद्धमू नीचे से नीचे आदमी की बात है। मध्य आदमी होते हैं उनको सिखता, जैसे वाड़ू के ऊपर खेते ऐसे थे तो थोड़ा वायु लगेगा, उस ऐसी मिल जाएगी पता ही नहीं कहा कहाँ थी, परंतु उसमें समय लगेगा, आपसे मिट जाएगी, आपसे बिना मिटाई मिट जाएगी, सोचा ये मध्य दर्जे का है। और ऊंचे दर्जे की चीज है जलेश रेखा, चल के मिटेगा गल में रेखा, रेखा मिलती तो है उसी समय शांत हो जाती। इस वजह से मान अपमान का, निंदा स्तुति का, अनुकूलता प्रतिकूलता का जो हमारे असर पड़ता है, तो वो नीचे से नीचे दृष्टि वाले की ऐसे पड़ता है, पत्थर की लकीर की तरह उसने कह दिया था, वो यही कहूंगा अब इसकी ठीक है खबर लेना ही है, पकड़ करके उसे पकड़े पक्की रहती, जन्म भर रहती वो चीज मिटती नहीं।
और सिखता सुनता आई उस समय लकीर हो गई, इसने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, उसने और उत्तम दर्जे को होते हैं उनके संसार का संबंध क्या था जो कीजिए का मित्र है तो वो मिल जाता आते हैं। शेर जी भूमिका जी कहते थे कि दीन मुक्ति रेखा कैसी होती आकाश की रेखा, अंग्रेज की रेखा बंदी बिकने का उठी क्यों नहीं होती कि जड़ता के साथ छेद हो गया पर बता अब जड़ने का मिलेगा क्या बने रेखा तो जड़ता में बनती तो जड़ता का घृष्ट संबंध होता है पथरी रेखा की तरह होती। तो ये जो अनन्य भाव भगवान में होता है तो अनन्य भाव होने से सर्ग जल के साथ संबंध रहता नहीं, ऐसे भाव होता है अनन्य भाव नहीं, अनन्य भाव भगवान के साथ होता है तो संसार के साथ निष्काम भाव होता है। आपने आरंभ किया ना प्रश्न तो आपने भगवान का ही कहा ये नित्य रहता है तो नित्य किसके साथ संसार का निष्काम भाव के साथ में रहता है। परमात्मा का भाव प्रेम भाव और संसार के निष्काम कोई कामना नहीं, कभी शोभन बनी संसार कामना नहीं, ये भाव भी नित्य था। तो ये निष्काम भाव की मुख्यता को लेकर चलते हैं कर्मयोगी होते हैं और भगवान भाव को मुख्यता लेकर चलते हुए भक्ति योगी होते हैं और अपने स्वरूप को लेकर के जड़ चेतन का विवेक करके स्वरूप वे ज्ञान योगी होते हैं। तो योगी वही हो तो चिन्ह के चिन्मय के साथ संबंध हो चेतन के साथ संबंध हो योगी होते हैं। संसार का काम करते हैं जड़ का केवल संसार के लिए ही काम करते हैं अपने लिए नहीं। और यहां तक होता है कि भजन करते हैं जब ध्यान करते हैं ध्यान भी करते हैं चिंतन करते हैं तो उससे भी कल्याण दुनिया का हो गया ऊंचे से ऊंचा काम करते हुए सबका कल्याण हो सबका हित हो अपने स्वार्थ भाव में उससे कुछ हमें लेना है कुछ नहीं। जैसे भगवान के भक्त होते हैं ना आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी तो ज्ञानी भक्त होते हैं निष्काम प्रेम करते हैं निष्काम भाव भगवान से भक्त करते हैं और भगवान से कभी चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते कि दूसरी कोई कीमती चीज है ही नहीं अब उसमें चाहे अब और जरूर किया है कभी मन में इच्छा नहीं होती वो चीज मिले उससे प्रभु की इच्छा होगी तो प्रभु के समान कोई समकक्ष है न तो समोस्तभ्यधिगत कुतोन्य आपके समान भी कोई नहीं है अधिक तो कैसे होगा तो समान भी कोई नहीं है तो हमारे स्थान में हमारे हृदय में स्थान भगवान का है उसके समान किसी का स्थान नहीं कोई वहां नहीं आ सकता बैठ नहीं सकता मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई कोई नहीं दूजा है मान है भोग है ये जो चीजें है ना सुख सुविधा है आराम है ये जो साथ में है ये परमात्मा के साथ में अखंड संबंध नहीं रहने देते संग्रह में ऐसा आगरण करते हैं अच्छी बात है नहीं रख सकते इनकी मुख्यता हो जा रही तो जयराम जी जय भगवान गुमुख हो गया भगवान सदा भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता भोग ऐश्वर्य में जो आ सकते हैं ये भोग है पांच विषय भोग है मान आदर भोग है प्रशंसा ये भोग है अपने जो बड़प्पन का अभिमान है जो सुख है भोग है अभिमान जन्य सुख है भोग है और ऐश्वर्य जो पदार्थ की प्राप्ति धन आदि की संपत्ति की प्राप्ति इसमें आसक्त होते हैं वो भगवान को प्राप्त करना ये बुद्धि नहीं हो सकती भगवान में सिद्ध होना जरूर रहा पर भगवान को ही प्राप्त करना है हमारा उद्देश्य एक ही है ऐसा उद्देश्य भी उन्हें थिर नहीं रहता भोगेश्वरी प्रसक्त है ना तो कहते भोगेश्वरी के तीन प्रति उसके लिए ही काम करते हैं जो काम करते हैं भोग मिले ऐश्वर्य मिले मान मिले आदर मिले भोग मिले आराम मिले सुख मिले रात दिन इसी में लगे रहते हैं इसके तत्पर रहते हैं जैसे भगवान का भक्त भगवान के तत्पर रहता है ऐसा उस संसार में ही तत्पर रहता है इसमें चूकता नहीं कि आराम मिले जिस तरह से भोग मिले जिस तरह ऐश्वर्य मिले वो अनजान पड़े में भी भोग जाता है तो भोग में भूला रहता है वो रात दिन
तो उनमें कोई गति होगी, भगवान बार बार जन्मादा करेगा, संसार ही होगी, तो उसे मुख्यता संसार की रहती। बहुत आवश्यकता है सावधानी की, बड़ी बड़ी आवश्यकता, सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीत हरिजन से करिए, पर हरिए दुख दुंगा, तुझे मन है तो सुनो, केवल भगवान से ही प्रेम करो, दिल में जागृत रहिए, जागता रहो, फटे संसार आ जाता है, इसका आदर हो जाता है, इसका महत्व हो जाता है, अनुकूलता में राजी होने वाले संसार का महत्व है, प्रतिकूल नाराज होने वाले संसार का महत्व है, इसका आदर है। ठीक है ना, महत्व आदर दिया, इसका आदर दिया तो भगवान का निरादर हुआ, जितना इसका मेरा आदर किया उतने भगवान का निरादर। मैं तो यहाँ कह दिया था एक दिन, कुछ वर्षों पहले की बात है, वो संसार का राग है उसे भगवान से द्वेष है, एक हमारे साथी थे वो चल गए, हमारा द्वेष तो नहीं भगवान से, बिल्कुल द्वेष है, आप माने देने में द्वेष खराब शब्द लगे चाहे आपको, तुम हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे या भजन हमारा करते, भजन करते हैं भगवान का, द्वेष वैसे है, परंतु जितना राग है उतना तो द्वेष ही है, भगवान से विमुख ही होगा तो विमुख कैसे होता है, जो द्वेषी होता है उसे विमुख होता है, तो उस उपेक्षा तो ही द्वेषी है, मेरे तो गिरधर गोपाल तू सर्वन कोई भी कोई है ही नहीं, तब ठीक होता, तो भावना भगवान का भाव और अभाव है, और कोई सत्ता नहीं, कोई महत्ता नहीं है, एक बात ना प्रीति है, प्रेम प्राप्त प्रिय को प्राप्त प्राप्त कर दुखी गया हो, सब दुख सुनो मेरे सो में दुखाई कर होते, सुख दुखे समय कर दो, मान समझे आता है ज्ञान होता है, अलग अलग ये सुख है, दुख है, ईमान है, अपमान है, निंदा है, जानना होता है, जान तो ऊंचा उठा देता दोनों से ऊंचा उठकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती, भगवान का है और अभाव है और आप सोचा सर है नहीं, भीतर से उद्देश्य एक बन जाए कि हमको भगवत प्राप्ति ही करना है, देखो ये आप ख्याल करो कि जो भाव है ना उसमें करता रहे हमें दृढ़ता की कमी है, हाँ जी दृढ़ता, हम तो भगवान के भगवान हमारे हैं ही, जैसे लोक में दृष्टांत है कि मेरी स्त्री है ही, स्त्री ही है, अभी ना थोड़ी पड़ता ये बार बार थोड़ी करना पड़ता, ऐसे भगवान के भगवान ही हमारे हैं, ये दृढ़ कहीं संसार का आदरा जाए पर छोड़ देगा वो, तो नहीं ये हमारा काम नहीं, जैसे मैंने अभी कहा था लसन प्याज अंडा मछली मांस आदि, ये हमारे संबंध नहीं है, ये त्याजी है, ऐसे संसार का सुख त्याजी है हमारे लिए, वो काम का नहीं है, बार बार हम क्या करें, हमारे संबंध वही है, हाँ आ जाती है पुरानी अभ्यास से वृत्तियां आ जाती है, वो चल जाएगी, छड़ेगी नहीं, मिट जाएगी, दृढ़ भाव होना चाहिए, धीरे 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 करेंगे, ये गलती है यहाँ ही कचास है, ये साध्य की सिद्धि नहीं होने देगा, बरसों तक बरसातों में लगे रहने पर भी सिद्धि नहीं होगी, दृढ़ता हो जाएगी, बिल्कुल हमारे ये बात है, अब कुछ कुछ जो कुछ कह दे दुनिया, कुछ भी कह दे, कुछ भी हो जाए, सुख हो जाए, दुख हो जाए, निंदा हो जाए, प्रशंसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें मतलब नहीं है, दृढ़ता होने पर फिर असर नहीं पड़ेगा, प्रतिकूलता ज्यादा नहीं होगा, हाँ जी आठ भाव से भगवान पुकारो, उसकी कृपा से हो जाएगा, पर अपनी तरफ से कचास नहीं चाहिए, अपनी तरफ से जो विचार है वो तो पक्का ही है,
भगवान का होना और संसार का न होना ये एक दृढ़ता चाहिए बेटा। संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये पक्का विचार हो। कभी भी संसार सच्चा है, ये सुख सच्चा है, ये नहीं आना चाहिए कभी। अनन्य चेता सरतम बताया है, अनन्य अस्तित्व को बताया है। उस अनन्य भाव क्या है, भगवान को भूल जाना क्या है? जैसे भगवान की अभी याद नहीं रही, ये भूल जाना नहीं है। जैसे अपनी स्त्री है तो स्त्री को भूल गए तो ये भूलना नहीं है। जब पूछो तो वो वैसा कैसे भाव पड़ा हुआ है। ऐसे ऊपर से भगवान की स्मृति भूल गए तो भूल गए, परंतु भीतर से संबंध हमारे भगवान के साथ अटल है। ये जो अपनापन है, स्वयं आप हो, वो लग जाओगे तो भूलोगे नहीं। भूलती वो भूली जाती है जो बाहर से लगी हुई है। जैसे स्थूल दृष्टांत बताऊं कि कोई अपने को ब्राह्मण मानता है कि मैं ब्राह्मण हूं, ये 8 पैर में याद ना करे कभी, 24 घंटा में मैं ब्राह्मण हूं याद ही नहीं आया, तो भी वो निरंतर याद है, अंतर नहीं पड़ता उसमें। अब निरंतरता भूली कब होती है? मैं तो चमार हूं, मैं तो एक बढ़िया हूं, ऐसा मान लिया तो भूल गया, मैं उसकी बात पकड़ के तो भूल गया, नहीं तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे आप किसी के शिष्य बन जाते हो, हमारे गुरु महाराज वो हैं, ऐसा मान लिया तो वो संबंध अटल होता है। व्यवहार का कहता हूं मैं, व्यवहार में भी ये पारमार्थिक है शिष्य गुरु का, तो उस शिष्य गुरु का मतलब क्या है कि गुरु वो ये जो वास्तव में तत्व को जानता है, तत्व बताता है, तत्व ही बताना चाहता है। नहीं तो गुरु से संबंध भी एक बेटा बाप बेटा की तरह है, एक गोद से लगा जो है, हृदय हो गया जी, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक में संबंध ही परमार्थ तत्व का है और कोई संबंध है ही नहीं। ऐसे हो जैसे गुरु मान लिया तो वो गुरु का संबंध भगवान के साथ संबंध है, तो वो नहीं भूले जाते। तो दृढ़ता से मानना चाहिए कि हम भगवान के, भगवान हमारे। दृढ़ता से क्यों मानना कि है ऐसा ही, मम्मी वांसो जीव लोग जीव को तत्काल भगवान कहते मेरा ही अंश है ये, तो ये वास्तविकता है। मनुष्य मान्यता करता है भगवान के साथ कि हमारा संबंध है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, तो मान्यता कर लो। नहीं, मान्यता नहीं है, ये वास्तविक तत्व की बात है, ऐसी भूली हुई है, विस्मृति हुई है। भगवान को भूल गए हैं, अलग नहीं हुए, अलग हो ही नहीं सकते। अब उसको याद हो गया, नचिंग हो गया, अर्जुन ने यही कहा, ज्ञान हो गया। नहीं क्या अर्जुन ने, भगवान ने पूछा कि तेरा अज्ञान नष्ट हो गया? हाँ नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। क्या हुआ? स्मृति लगता याद आ गई, वही नया ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं कहा, स्मृति लगता याद हो मैं तो भगवान का हूं वही, बस स्मृति आ गई। अब स्मृति नहीं होती, ये स्मृति जागृत हो जाती है, फिर विस्मृति नहीं होती, भूली नहीं होती, जो वास्तविक चीज है। वास्तविकता जब तक नहीं तब तक मान ले दृढ़ता से, हृदय में बात ऐसी है ही ऐसी, पका लो उसको ठीक तरह, पक्की दृढ़ रही था। कोई कुछ भी कहे तो कोई मान ही नहीं सकता, पूरी बात हो ही नहीं सकती, फिर वो जागृत हो जाएगी। आप सब नारायण 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 राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष पंचमी बुधवार संबत 2042 दिनांक 4 सितंबर 1985 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में दिया गया। राम राम राम। सुखदाई राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाई लोक मिले।
दुख सब ही पर संत समागम दुर्लभ भाई। संत सदा अति प्यारे उधो मोही, संत सदा अति प्यारे उधो मोही, संत सदा अति प्यारे उधो मोही, संत सदा अति प्यारे। जागी महिमा वेद उचारे, जागी महिमा वेद उचारे उधो मोही, संत सदा अति प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत के, जगत के भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। निसदीन ध्यान धरे ही माही, सदीन ध्यान धरे ही माही, सब ग्रह काज विसारे उधो मोही, सब ग्रह काज विसारे उधो मोही, संत सदा अति प्यारे उधो मोही, संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जह जह संत सिधा, संतन के पीछे जाऊं, जह जह संत सिधारे। चरण नर जनिज अंग लगाऊं, चरण नर जनिज अंग लगाऊं, संत सदा अति प्यारे उधो मोही, संत सदा अति प्यारे।